13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. सो आपको ये बताना है, सपोज जैसे मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं, कह रहा कि ये सपोज एक सिलेंडर गिवन है. इस सिलेंडर में, सिलेंडर तो आपको मालूम है सिलेंडर क्या होता है, इसकी हाइट गिवन है, इसकी हाइट गिवन है, इसकी हाइट दिया है, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर. कितना है 14 सेंटीमीटर. इसका रेडियस नहीं मालूम, रेडियस को हम आर मान लेते हैं, आर सेंटीमीटर. इसके बारे में दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. बात क्लियर है. अब कह रहा है कि इसमें आपको क्या बताना है, इसका डायामीटर बताना है. इसका क्या बताना है, डायामीटर बताना है. अगर डायामीटर निकालने से पहले हम पहले रेडियस निकाल ले तो आप डायमीटर भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं. तो दिया है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh इक्वल टू कितना गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, आर की वैल्यू नहीं मालूम तो आर को आर रखेंगे, एच की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 2 और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 88 सेंटीमीटर आर इक्वल टू कितना हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस निकालने के लिए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर को ये साइड मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 88 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ये इससे कटेगा तो रेडियस कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. तो आपसे पूछा है कि डायमीटर कितना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2 इनटू में रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 1 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ये था आपका आंसर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. ठीक है.